जबलपुर जिले के सहपुरा विकास खंड के ग्राम फुलर में 60 एकड़ में एमपी सोका जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल से जैविक प्रमाणित खेती करने वाले टीसीबीटी प्राकृतिक खेती के प्रसिद्ध किसान ठाकुर विनय सिंह जी के घर पे प्राकृतिक खेती की मूलभूत सिद्धांतों, उनकी कार्यपद्धति ये सीखने के लिए जबलपुर कृषि विभाग के कृषि अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी और अन्य सदस्य यहाँ खेती देखने आए और प्रशिक्षण प्राप्त किए। कृषि संचालक भोपाल कार्यालय की ओर से श्रीमती मनीषा सिंह जी भी इस प्रशिक्षण में उपस्थित हुई और सभी कृषि विस्तार अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया। जागृति साहू आ रही हूँ जबलपुर। एजुकेशन बताते चलो। तो मैं एमएससी एच यू कल्चर हुई कि एडीओ बना गए एमएससी एग्रीकल्चर। सभी को नमस्ते, मेरा नाम पूजा वर्मा, पोस्टेड शासकीय कृषि क्षेत्र नानघाट आ रही हूँ और मेरी एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से है। 2011 में आकांक्षा राय विस्तार अधिकारी पनागर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत में एक अच्छी पहल शुरू हुई है कि आप सब कृषि विस्तार अधिकारी का काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समाधान के प्रयास किए जाएंगे, बिल्कुल ओपन माइंड, ये कोई एक आलाप नहीं है, डायलॉग है, मतलब दोनों तरफ से संवाद रहेगा। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जबलपुर, एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए। उनका रात में फोन आया मेरे पास 9:30 बजे कि सर बोले आप हमारे सभी कृषि विस्तार अधिकारी और हमारे फील्ड के जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक बार जरा आपकी चर्चा हो जाए, इसलिए आप जैसे ही इनको डालोगे रिजल्ट आएगा तुरंत। अभी जो है ये ऊर्जा बहुत ही गोबर, गोमूत्र, घी, दही और छाछ इनको मिला के उपयोग करोगे तो ये पंच महाभूत पौधे को मिलेंगे। प्राकृतिक तौर पर इस पेड़ को कैसे ये मिल रहे हैं तो ये प्रक्रिया यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये सारी बीमारी ठीक करने का स्थायी उपाय है, परमानेंट उपाय है। किसी बेटी भूमि उपचार कौन सा उपाय अन्नपूर्णा माता, यह भोजन मेरे शरीर के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। जैविक किसान देश किसान, जैविक किसान देश किसान, गौ माता सुखी रहे, गौ माता सुखी रहे, धरती माता सुखी रहे। आज हम सभी उप संचालक कृषि जबलपुर की ओर से सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो कि आजकल जो हम क्षेत्र में पदस्थ हैं, हम लोग आज यहाँ एक प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण प्राप्त करने ग्राम फुलर में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत श्री बैल जी सर जो कि अपनी प्राकृतिक खेती के लिए पूरे देश में मशहूर हैं उनके द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और इस ग्राम के कृषक श्री विनय सिंह जी जिन्होंने 52 एकड़ में अभी जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए एमपी सोका में अपना पंजीयन कराया है, यहाँ हमने उनके उनके द्वारा निर्मित दवाइयाँ, प्राकृतिक दवाइयाँ एवं उनके खेत का भ्रमण करके ये जाना है कि किस तरह से प्राकृतिक खेती से किसान समृद्ध हो सकता है
कम लागत में वो अच्छी खेती कर सकता है उन्नत कृषि का। ऐसा सर होते सर्वेयर, हमें बहुत अच्छा लगा सर से आज जो नॉलेज मिला है बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। क्या बात है। मैं सबीना मंडोडे सर्वेयर, जो सर ने हमको जानकारी दी बहुत अच्छी जानकारी दी जो हमारे लाभदायक है, जानकारी लेके बहुत ही अच्छा लगा। मैं साथ ही इसको अपने क्षेत्र में आगे किसानों को बताऊंगी। श्रीमती कीर्ति वर्मा, सहायक संचालक कृषि, उप संचालक कृषि कार्यालय जबलपुर। हमारे उप संचालक कृषि श्री रवि आम्रवंशी के एक मंशा थी कि जितने भी नव नियुक्त आरियोज हैं उनका एक प्रशिक्षण वेल्दी भाई एवं विनय सिंह जी के क्षेत्र में किया जाए और उनको एक नई ऊर्जा दी जाए और प्रशिक्षण दिया जाए कि वो प्राकृतिक खेती जो आज के समय की मांग है, हमारे स्वस्थ और सुखी जीवन की जीवन शैली कहना चाहिए जो हमें बनाना है, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो कृषकों के बीच में जा करके और उनके बीच में इस जो प्राकृतिक खेती की ज्योत को है जला सके। और उसका एक सफल प्रशिक्षण आज बेलजी भाई के द्वारा विनय सिंह जी के कैंपस में दिया गया। मनीषा पटेल, अनुभागीय कृषि अधिकारी सिहोला। आज यहाँ पे हम लोग सभी बेलजी भाई के जने द्वारा प्रशिक्षण लिया गया, हमारे नव नियुक्त जो आरियोज हैं, और हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला। हमारे मतलब दैनिक जीवन में भी जो ऊर्जा के स्रोत के बारे में इन्होंने हमारी बहुत अच्छी अग्नि स्रोत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, तो इससे हम अपने दैनिक जीवन के साथ साथ प्राकृतिक रूप से जुड़ते हुए हम चाहते हैं कि हमारे किसान भी ऐसी खेती करें तो जिससे उनकी दैनिक जीवनचर्या के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और अपनी मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, और बस इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं पिछले 15 सालों से जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए लगा हुआ हूँ, पर चूंकि ये थोड़ा सा जो हमारी आधुनिक प्रणाली है, जीवन प्रणाली, उसमें अभी ये बात फिट बैठ नहीं रही लोगों को, उनके मन में नहीं आ रही, पर आपका जितना भी प्रशिक्षण हो रहा है उससे सब लोग आत्मसात कर रहे हैं और निसंदेह ये आंदोलन एक बहुत ऊँचे मुकाम पर पहुँचेगा। हम आपके धन्यवाद के मतलब करते हैं, ज्ञापित करते हैं, और विनय भाई तो काम कर ही रहे हैं। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिसके लिए पूरे ज़िले से कृषि विभाग से सभी लोग आए। बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि प्राकृतिक खेती के कारण आज कितना सम्मान ज़िले भर से मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।